बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर कई तरह की समस्याएं आ रही है। सबसे ज्यादा समस्या जमीन के कागज को जुटाने में आ रही है। लोग ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन जमीन के कागज निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई तरह की दिक्कत निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रही है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी पूरे प्रदेश से जो कुछ बेसिक शिकायत मिलकर आ रही है उसने आम लोगों की भी टेंशन बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए पटना जिले के विक्रम प्रखंड के महाजपुरा गांव के लोगों ने जमीन सर्वे का ही बहिष्कार कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तब तक वे लोग अपनी जमीन का सर्वे नहीं कराएंगे। जब न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम इस गांव में पहुंची तो लोगों ने खुलकर जमीन सर्वे में आ रही दिक्कत के बारे में बताया। ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। लोग अपनी अपनी जमीन का खाता, खतियान, वंशावली जैसे कागज जुटाने के लिए ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। लोगों को जमीन सर्वे में किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम करने का दावा भी किया जा रहा है। राजस्व भूमि सुधार विभाग लोगों को ऑनलाइन कागज उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सर्वे में कई तरह की परेशानियाँ आ रही है जिससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जमीन सर्वे में कागज को लेकर परेशानी तो सभी को हो रही है। सभी किसी ना किसी तरह से अपने कागजात उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पटना के ही विक्रम प्रखंड के महाजपुरा गांव के लोगों ने जमीन सर्वे में आ रही परेशानियों को देखते हुए अपने गांव में सर्वे कराने से ही इनकार कर दिया है और सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे का बहिष्कार कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर देती है तब तक ये गाँव के कोई भी लोग सर्वे नहीं कराएंगे। न्यूज 18 बिहार झारखंड जमीन सर्वे को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, सर्वे के दौरान आने वाली परेशानियों को भी उठा रहा है और लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे भी लोगों को बता रहा है। ऐसे में न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार विक्रम प्रखंड के महाजपुरा गांव पहुंचे और लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों उन्होंने सर्वे का बहिष्कार किया है, तो इसमें कई बातें निकल कर सामने आई। जमीन के पेपर नहीं मिल रहे हैं, ब्लॉक में अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते हैं, अधिकारी कर्मचारियों की रवैया ठीक नहीं है, छोटे से छोटे काम के लिए पैसे की डिमांड करने का आरोप, फॉर्म पर लिखी भाषा समझ में नहीं आती है, सर्वे कर रहे अधिकारियों की कमी होने का आरोप, ऑनलाइन पेपर में गड़बड़ी का आरोप, किसी का प्लॉट नंबर गलत है, किसी का खतियान गलत है। महाजपुरा गांव जब हम पहुंचे तो वहां गांव के कई लोग अपनी अपनी परेशानी बताने के लिए इकट्ठा हो गए। यहां हमारी मुलाकात वीरेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति से हुआ। इन्होंने बताया कि ब्लॉक में ना तो सीओ आते हैं ना ही कर्मचारी मिलते हैं, और जब मिलते भी हैं तो उनका रवैया ठीक नहीं होता है, ऊपर से हर काम के लिए रिश्वत की डिमांड करते हैं। क्या काम रसीद वाला काम नहीं हो रहा था जी। जाते हैं ब्लॉक में, साल साल भर डेढ़ डेढ़ साल लगा देते हैं चढ़ाने में, न सीओ आए हैं न कर्मचारी आए थे। कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा पैसे मांगने के आरोप पर जब हमने इसी गाँव के रविन्द्रनाथ सिंह से बात की तो उन्होंने भी बताया डायरेक्ट कोई पैसों की डिमांड नहीं करता है, लेकिन बिना पैसों के कोई काम होता भी नहीं है। डायरेक्ट रूप से तो नहीं है डिमांड किया जाता है, बाकी इनडायरेक्ट में पैसा के उन लोग के चाहना रहता है। सरकार ने सर्वे कराने का फैसला लिया है, एक आम आदमी को भी इसका फायदा होगा लगता है? सर्वे होना चाहिए, फायदा तो फायदा वाला कम में है जी, लेकिन काम को आगे बढ़े सुचारू रूप से तब तो। सर्वे में जो दिक्कत आ रही है उसमें एक दिक्कत फॉर्म को लेकर भी है। महाजपुरा गांव के रहने वाले निरंजन शर्मा ने बताया कि सर्वे के लिए कुल 22 पन्ने का फॉर्म है। उन्होंने बताया कि 2 से लेकर 8 पन्ने तक का डिक्लेरेशन करना है, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन 8 से लेकर 14 नंबर तक का फॉर्म भरने में ही सारी दिक्कत आ रही है।
हम लोग तो रोज जूझ रहे हैं ब्लॉक में, इससे खूब बढ़िया उगाही किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, और सबले दोषी इसमें बिहार सरकार है कि कर्मचारी ब्लॉक में है ये नहीं है। एक पंचायत पर पहले एक कर्मचारी रहता था, अभी एक पंचायत पर पांच पंचायत पर एक कर्मचारी है। काम का लोड बहुत ज़्यादा है, और ये जितना भू माफिया लोग है, ये सब लोग इतना न पैसा वहाँ देता है कि किसान उसके सामने टिक नहीं पाता है। महाजपुरा गांव के लोगों के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या सच में गांव वाले जो शिकायत कर रहे हैं उसमें दम है, ये जानने के लिए हम गांव के सरपंच सुधीर कुमार से मिले। तो उन्होंने रिश्वत लेने की बात से इनकार तो नहीं किया, लगे हाथ उन्होंने कर्मचारियों की कमी, भू माफियाओं का आतंक और सर्वे कर रहे अधिकारियों की नॉलेज पर ही सवाल उठा दिया। कहते हैं कि ये जमीन को रसीद काटना है, इसका खतियान मतलब दिखाइए या कर दीजिए। तो कहते हैं कि बाद में आइएगा ना, अब बाद में आइएगा तो जैसे सरपंच साहब बोले कि सामने तो नहीं, गुप्त रूप में जो है पैसा का डिमांड करते हैं कि 2000 दीजिए, 4000 दीजिए। इस सर्वे में सबसे ज्यादा दिक्कत ब्लॉक में जाकर जमीन का कागज निकालने में हो रही है। लोगों की शिकायत है कि वंशावली के लिए ब्लॉक में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उनकी सुनते नहीं है। कहते हैं बाद में आइएगा और गुप्त रूप से पैसों की डिमांड करते हैं। जो पैसा देते हैं उनका काम बिना किसी परेशानी के हो जाती है, लेकिन जो पैसा नहीं देते हैं उनका काम नहीं हो पाता है। इसका समाधान है कि पहले तो पूरे ब्लॉक में या कहीं बिहार स्तर पर जो सर्वे हो रहा है, तो इसके लिए सीओ और कर्मचारी या भू राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों को बिहार सरकार को जिम्मेवारी देना चाहिए कि आपके जिम्मेवारी बनता है कि आप इतना दिनों में सब लोगों का परिमार्जन, खतियान, जमाबंदी या मौखिक बदलायन या स्टाम्प पर बदलायन है, उस समस्या का समाधान करें। उसके बाद समाधान जब पूरा होता है उसके बाद भूमि सर्वे का डेट निकाला जाए बिहार सरकार द्वारा। यही हमें संजीव कुमार नाम के व्यक्ति मिले। उनसे जब हमने ये जानने की कोशिश की कि बहिष्कार करने से समस्या का समाधान कैसे होगा, तो उन्होंने बताया कि सरकार ने सर्वे के आदेश तो दे दिए, लेकिन सर्वे की तैयारी अच्छे से नहीं की, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। जमीन सर्वे से पहले लोगों के कागज ठीक किए जाए, तय समय में अधिकारियों को काम पूरा करने का निर्देश, सारा कागज ठीक होने के बाद सर्वे का काम शुरू हो, सर्वे कर रहे अधिकारियों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। सर्वे के लिए इसमें 22 पन्ने का फॉर्म है। फर्स्ट तो गजट निकाल गया एक नंबर कि हमको ये गजट है प्रकाशित करके सर्वे करना है। 2 नंबर से 8 नंबर तक डिक्लेरेशन करना है। 8 से 14 जो है वही मूल समस्या का कारण है, क्योंकि सर्वप्रथम 8 से 14 नंबर पेज जो है, पेज है 14 के बाद तो कोर्ट हो गया, कानून के पास है, अमीन के पास है, DCLR तक, जिला ADM पटना रेवेन्यू जो भी है। जमीन सर्वे को लेकर आ रही दिक्कत के कारण महाजपुरा गांव के लोगों ने सर्वे का ही बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने जो सवाल उठाया है वो सिर्फ महाजपुरा गांव के लोगों के सवाल नहीं है, बल्कि पूरे बिहार से ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन तमाम परेशानियों के बाद भी लोग जमीन सर्वे के फैसले को सही मान रहे हैं। महाजपुरा गांव के लोगों ने भी सर्वे के फैसले को सही बताया, लेकिन सर्वे के दौरान आ रही दिक्कतों को दूर करने के बाद सर्वे कराने की मांग की है। हालांकि सरकार भी कोशिश कर रही है कि लोगों को जमीन सर्वे में किसी तरह की दिक्कत ना हो। ऐसे में देखना होगा कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। पटना से न्यूज 18 बिहार झारखंड के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।